नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दूसरे दिन हर तरफ मोदी मोदी की गूंज रही। व्हाइट हाउस में सम्मान से लेकर अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन तक हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दिए गए डिनर के दौरान भी एक संबोधन हुआ जिसने सभी का दिल जीत लिया। ये डिनर 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक चला। इस डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के साथ ही भारत और अमेरिका के बड़े नेता, बड़े कारोबारी, राजदूत, हॉलीवुड हस्तियां और दुनिया के नामचीन चेहरे शामिल हुए। डिनर भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 4 बजे शुरू हुआ और 7 बजे तक चला। स्टेट डिनर अमेरिका में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। इस डिनर के लिए खास तौर पर वेजिटेरियन मेन्यू रखा गया। पूरा डिनर जिल बाइडेन की देखरेख में ही तैयार किया गया और इसमें आए मेहमानों ने भी इसमें 4 चांद लगा दिए। अपने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कदर जादू बिखेरा कि व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक हर शख्स उनका मुरीद हो गया। अमेरिका की सांसद हो या भारतीय मूल के लोग हो, हर शख्स प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को बेकरार है। गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी का भाषण इतना प्रभावी था कि 15 बार अमरीकी सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जरा सोचिए, 1-2 बार नहीं, 15 बार खड़े होकर उनका अभिवादन किया। 79 बार तालियां बजी और करीब 58 मिनट तक अमरीकी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई हैड एन आयरिश ग्रैंडफादर नेम एम्ब्रोस फिनिगन। And he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. Toast to our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead, to 2 great friends, 2 great nations, and 2 great powers. Cheers. President Biden, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्म जोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ही लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर सीट फिट कर पाए होंगे। विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है, इसके लिए
मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्टेट डिनर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपना संबोधन दिया। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के रिश्ते गहरे हुए हैं। बीस साल पहले सीनेट के विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सबसे करीबी दोस्त और साथी बन गए तब दुनिया एक सुरक्षित जगह होगी। राष्ट्रपति के रूप में मेरा यह मानना आज और भी अधिक सार्थक है। जिल और मैं प्रधानमंत्री जी आज आपके साथ एक अद्भुत समय हमने बिताया है और इस उत्पादक यात्रा के दौरान और आज रात एक उपयुक्त तरीका है हमारी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के महान बंधन का उत्सव मनाने के लिए जो लंबे समय तक रहेगा। प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए डिनर में जानी मानी हस्तियां पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके पर कई चुटीली बातें की। कैसे चली डिनर डिप्लोमेसी बता रहे हैं इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचे शाम में तकरीबन 6:30 बजे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस के मुख्य दरवाजे पर उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद वो पीएम मोदी को अंदर लेकर गए। व्हाइट हाउस में ग्राउंड फ्लोर पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यालय होता है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका रिहाइश है। पीएम मोदी को फर्स्ट फ्लोर पर येलो रूम में लेकर गए। वहां काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई। दोबारा वो पीएम मोदी को लेकर नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्हें ब्लू रूम जिसे कहा जाता है वहां पर लेकर गए। वहां गेस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का वो सिलसिला काफी लंबा चला और उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ जिसे टोस्ट कहा जाता है। वहां पीएम मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गए। तमाम मेहमान वहां पर पहुंचे हुए थे। मेहमानों की श्रृंखला की अगर बात करें तो वो सूची बहुत लंबी थी, चाहे इंडो अमेरिकी लोग हों या फिर अमेरिकी लोग या फिर भारत के लोग, वो सब वहां पर मौजूद थे। और नामचीन लोगों की बात कर लें तो भारत से जैसे भारत सरकार के जो लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा अंबानी थे यहाँ पे, सुंदर पचाई, सत्य नडेला, धालीवाल, डगलस, ऐसे लोग मौजूद थे। और ये सूची बहुत खास तरीके से व्हाइट हाउस ने तैयार की थी। वहां पर जब टोस्ट का कार्यक्रम हुआ, टोस्ट के कार्यक्रम का मतलब ये कि वो एक नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ था जिसे चीयर्स के अंदाज में ऊपर उठाया जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच भी हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी स्पीच हुआ। पीएम मोदी का स्पीच बहुत खास और चुटीला अंदाज वाला था। पीएम ने बताया कि किस प्रकार से जो बाइडेन 2014 में नवरात्र के समय में इस बात पर हैरान थे कि कैसे पीएम मोदी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि शायद वो इनविटेशन आज काम आ रहा है, आज उनकी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। पीएम ने चुटीले अंदाज में ये भी कहा कि ऐसे डिनर में कुछ लोग गाना भी गाते हैं। पीएम ने कहा कि क्योंकि वो गाना नहीं गाते, वरना गाना गाकर सुनाते जरूर। कुल मिलाकर एक बेहद खुशगवार माहौल में स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन डीसी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में जो स्टेट डिनर दिया गया उसमें अमेरिकी सांसद और मंत्रियों के अलावा भारत और दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दुनिया की बड़ी हस्तियां, इसमें कुछ अमेरिकी कपल्स को आप देख सकते हैं, कुछ भारतीय नामचीन चेहरे यहां पर दिखाई दिए, कुछ इंडो अमेरिकी बड़े चेहरे भी दिखाई दिए। मसलन आप देखें मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ पहुंचे, एम नाइट शामलन, बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में इन्होंने दी हैं, अब तो ये अमेरिकी ही हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, ये भी अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आनंद महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। व्हाइट हाउस में डिनर डिप्लोमेसी के खास मेहमान उद्योगपति मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप मजबूत हुआ। हिस्टोरिक विजिट फॉर बोथ आवर कंट्रीज, बहुत ज्यादा मजबूत हुआ।
व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर में अमेरिका के अलावा दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। डिनर पर भी मेहमानों में मोदी को लेकर दीवानगी देखी गई। इससे पहले अमेरिकी संसद में भी अमेरिकी सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। पीएम के 58 मिनट के संबोधन के दौरान कम से कम 15 बार अमरीकी सांसदों ने कैसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। 79 बार तालियां भी बजाई गई। वाकई में ये बेहद ही अद्भुत क्षण थे। भारत के प्रधानमंत्री जब ग्लोबल स्टेज पर बोलते हैं, जब अमरीकी संसद को संबोधित करते हैं, तो पूरी दुनिया सुनती है। और यही वजह है कि मंत्रमुग्ध होकर अमरीकी सांसद भी स्टैंडिंग ओवेशन देते हुए दिखाई दिए। और ये केवल एक बार नहीं हुआ, ऐसे तकरीबन 15 बार मौके आए जब स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री को जब दूसरा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, और इस दौरान उन्हें बेहद गौर से, बहुत ही ध्यान से सुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि हमारा इतिहास अलग है लेकिन हमारा दृष्टिकोण एक है, आतंकवाद को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। आतंकवाद आज भी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है, और उन्होंने 9/11 जैसे हमले का और 26/11 जैसे हमले का जब जिक्र किया, वाकई में ये वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में जब शामिल हुई तो अमेरिका भी वाह वाह कर उठा। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री को छठा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। प्रधानमंत्री के इस भाषण के दौरान उनकी एक एक बात से, उनके एक एक वक्तव्य से ये स्टैंडिंग ओवेशन बताता है कि अमरीकी सांसद सहमत हैं। अमरीकी संसद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचाया, वाकई में वो पल अद्भुत थे, वो क्षण अद्भुत था। भारत के प्रधानमंत्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिलना, उनके भाषण के लिए तालियों की गड़गड़ाहट का आना, अपने आप में एक मुकम्मल यात्रा का उदाहरण पेश करता है। प्रधानमंत्री का इस तरीके से सम्मान होना भारत के लिए गौरवपूर्ण क्षण था। ये केवल नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केवल सम्मान नहीं था, बल्कि ये भारत की आबादी का सम्मान था, भारत की विविधता का सम्मान था, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी सम्मान था। ये तस्वीरें ये बताती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार स्टैंडिंग ओवेशन जब मिला, आप देखें, बड़े गर्म जोशी के साथ ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत किया गया, बल्कि उनकी एक एक बात को ना सिर्फ गौर से सुना गया बल्कि ये तालियां बताती हैं, उनका समर्थन भी किया गया। प्रधानमंत्री के लिए ये दूसरा मौका था जब वो अमरीकी संसद को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत इसी बात से की, और इसी बात की कि इसे भारत के लोगों का सम्मान बताया। It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warm
एज ओल्ड फ्रेंड्स. आई कैन ऑल्सो सी द एंथुसियाज्म ऑफ ए न्यू फ्रेंड्स इन द अदर हाफ. प्रधानमंत्री ने सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के जुड़ाव की वजह भी बताई. प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का यह विकास इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें भारत में हैं. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र को खतरे में बताने वालों को भी करारा जवाब दिया. डेमोक्रेसी इज द स्पिरिट दैट सपोर्ट्स इक्वालिटी and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. इट मीन्स द ट्रूथ इज वन बट द वाइज एक्सप्रेस इट इन अ डिफरेंट वेज. नाउ द यूएस इज द ओल्डेस्ट एंड इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अवर पार्टनरशिप augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker, last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी संसद की अपनी स्पीच में रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है. हमें बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए शांति की पहल करनी चाहिए. द लास्ट फ्यू इयर्स हैव सीन डीपली डिसरप्टिव डेवलपमेंट्स विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy.
एंड वी ऑल मस्ट डू व्हाट वी कैन टू स्टॉप द ब्लड शेड एंड ह्यूमन सफरिंग। मोदी ने अमेरिकी संसद से आतंकवाद और आतंकवाद को पालने पोसने पर भी करारा वार किया। उन्होंने कहा कि 9/11 और 26/11 के वर्षों के बाद आज भी आतंकवाद मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। मिस्टर स्पीकर, मोर देन टू डेकेड्स आफ्टर 9/11 एंड मोर देन अ डेकेड आफ्टर 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।